ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशन का, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप लोग बार बार स्मॉल जी के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू भी बचपन से याद है, 9.8 है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि बहुत छोटा चीज है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में या 10th क्लास में कहीं पढ़ा होगा, 9th क्लास में। तो ये बहुत छोटा चीज होता है, लेकिन जब आप इस पर आइएगा 11th में, तब इसका रोल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका रोल हो जाता है चेंज। तो चेंज कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे इस चीज को। एक वर्ड पहले दिखती है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, प्लीज ध्यान से देखिए। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन के अंदर ही आता है, ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन के अंदर है, लेकिन ग्रेविटेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप बोलते हैं वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच हो सकता है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, कौन? अर्थ। अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चीज हो जाएगा हमारा ग्रेविटी, समझ रहे बात को। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जो लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जब बात करेंगे ग्रेविटी की तो ग्रेविटी में श्योर है कि एक हमारा क्या है, अर्थ है। तो अर्थ जिस फोर्स से किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट्स नोन एज ग्रेविटी। फाइन, अब देखिएगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा है अर्थ, इसका अपना रेडियस है आर, ठीक है। ये है अर्थ, इसका अपना रेडियस है आर, इसका अपना मास है एम। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इसका मास है स्मॉल एम। अब एक दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन के कारण, है ना। तो अट्रैक्ट जब करेगा, मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जी एम एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। इसका बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है स्मॉल आर का, ठीक है, फिलहाल देखेंगे। तो लेकिन हम लोग जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जैसे बात करते हैं, तो श्योर हो जाइए वो फिलहाल कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जब भी पूछा जाएगा आपको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और जब ऊपर नीचे करेगा तो वो वैल्यू वेरी करेगी। तो उसके लिए हम लोग बाद में उस चीज को डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग जरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कहां, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। तो इस चीज को जानने से पहले एक चीज आपको बहुत जरूरी है जानना, वो जानना जरूरी है आपका एक्सेलरेशन, बचपन से पढ़ते आए हैं लोग, है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए यहां पर एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोलते थे, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी होता था ना। तो एक्सेलरेशन को हम आप दूसरे तरह से भी एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उसका अपना कुछ मास होगा कि नहीं होगा, मान लीजिए उसका मास हमारा है एम, तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो, तो रेट इन चेंज वेलोसिटी जिसे आप बोलते थे एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम लोगों को मिला था न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम ए, यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, कब, जब एम की वैल्यू वन कर दीजिए आप, कि यूनिट मास पर या वन के जी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट्स द एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है, समझ रहे। किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया यूनिट केजी के ऑब्जेक्ट पर, तो जब आप फोर्स लगाइएगा तो वो फोर्स आपने यूनिट केजी पर जो फोर्स लगाया है वो इसका क्या कहलाता है, वो एक्सेलरेशन। मान लीजिए 5 kg का ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स लगा दिया 10 N, तो यूनिट केजी पर फोर्स कितना लगेगा, 10^5 2 आ गया, 2 m/s स्क्वायर, क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है, समझिएगा प्लीज ध्यान से, ये एक्सेलरेशन की तरह ही है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या, जो वो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं उसमें हम लोग बाहर से कोई भी लगा सकता है फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हम श्योर है कौन लगाएगा, एक ही है जो फोर्स लगा सकता है, वो है अर्थ। तो अर्थ क्या होता है, प्लीज देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स लग रहा है मेरे बच्चों, ये अर्थ भी इसके ऊपर इसी फोर्स से खींच रहा है और ये भी उसको उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं कभी करना कि ये ज्यादा लगाएगा ये कम लगाएगा, फोर्स दोनों सेम लगाता है, फोर्स में कोई चेंजेस
लेकिन चेंजेस किस में आ जाता है? फिर बोलोगे सर अर्थ जब हम छोड़ते हैं तो ये नीचे जाता है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आता है? तो सिंपल सा कारण है भाई, एफ इज इक्वल टू होता है हमारा एम इंटू ए, इज इक्वल टू होता है एफ बाय एम। मास को जितना बड़ा लीजिएगा एक्सेलरेशन क्या होगा? कितना ही कम होगा, उतना ही कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया अर्थ का जो मास है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इस पर लग रहा है हमारा एक न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एक न्यूटन जब फोर्स की बात करेंगे तो एक न्यूटन ऑब्जेक्ट के हिसाब से निकाल लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। लेकिन जब अर्थ के लिए अर्थ का मास कितना ज्यादा है, एक्सेलरेशन क्या नेग्लिजिबल, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग उसका अर्थ की तरफ नहीं आता, ये अर्थ की तरफ जाता है, ये बात था हमारा, ठीक है। तो अब देखिए एफ इज इक्वल टू होता है हमारा एम ए, ये एफ क्या है? जिस फोर्स से अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, अब समझिएगा ये जो मास एम था इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं इस जगह, कहां? इसके सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उस कंडीशन में जो इसके ऊपर फोर्स है वो क्या होगा, जी एम एम बाय आर की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि यह कंसिडर्ड है कि सारा मास हम लोग अर्थ का उसके सेंटर पे अज्यूम करते हैं, सारा मास कहां है उसके सेंटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस कितना हो गया, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये आ गया ना। अब देखिए और हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एम ए, लेकिन यहां चूंकि अर्थ के कारण जो होता है ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ए और जी सेम है, चूंकि अर्थ लगाया उसको स्पेशल दर्जा दे दिए, है ना, वो स्मॉल जी हमारा आ गया। तो एम ए ही आप ए भी ले सकते, लेकिन ए लगे बराबर है ना, और ए की वैल्यू फिक्स हो गई थी तो हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पर जी का स्मॉल जी का यूज किया गया। एक फोर्स आ गया ये, एक फोर्स आ गया ये, लेकिन आप किसी तरह से फोर्स निकालिए, बात तो बराबर ही है ना, यानी दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो एम जी किसके बराबर हो गया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर के बराबर। एम से एम को कटा दीजिए, कैपिटल मत लीजिएगा, अर्थ का मास मत कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो गई, जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखिएगा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो गई, जी एम बाय आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए जी क्या है, जी की वैल्यू फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताया मैंने, मास ऑफ द अर्थ ये भी फिक्स है, आर क्या हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी फिक्स है। इस सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए लगभग बराबर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, एक अलग ढंग से फॉर्मूला इसका होता है कि अगर रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, मान लीजिए रेडियस को हम डिक्रीज कर देंगे, रेडियस को डिक्रीज कर दिया, मास फिक्स रहने दिया, रेडियस को क्या किया तो जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो इंक्रीज होगा। और किस रेशियो से होगा वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए बोलेगा अचानक से अर्थ जो होता है वो श्रिंक करता है और हाफ ऑफ द रेडियस पर पहुंच जाता है, मतलब पहले ये था हमारा, अब कितना हो गया, नया जो जी आ गया वो कितना हो गया, जी एम बाय आर बाय टू का स्क्वायर। तो r बाय टू है तो इसको टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, r स्क्वायर बाय फोर, अब फोर ऊपर चला गया क्या हो गया, फोर जी एम बाय फोर जी एम बाय क्या r स्क्वायर, और जी एम बाय आर स्क्वायर किसके बराबर है, स्मॉल g के बराबर है। तो नया जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर इंटू, समझ देख रहे हैं बात को, अगर r की वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है, आपको रेशियो निकालने के लिए क्या होगा नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात ये। दूसरी बात, फिर कभी कभी ये चालाकी दिखाएगा, ये कहेगा डेंसिटी अलग कर देगा, समझना यहां पर, ये चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीज स्पेशल है जो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास से थोड़ा सा अलग पढ़िएगा। मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि वॉल्यूम क्या है, अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक कंप्लीट स्फीयर कंसिडर करते हैं, एक्चुअली है नहीं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग मान लेते भाई ये, और डेंसिटी देखिए अर्थ का डेंसिटी होता है वो भी वेरी करता है। अब अर्थ जहां पर सॉइल है वहां की डेंसिटी अलग है, जहां पर सैंड है अलग सा उसका अलग है, जहां पर ब्लैक सॉइल है वहां पर अलग है, समझ रहे बात को, जहां पर पानी है वहां का अलग है। आप जाइए नीचे चलते जाइए अर्थ के, तो कुछ कुछ अलग मिलेगा, आयरन का होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, बहुत कुछ होगा, तो डेंसिटी फिक्स नहीं है। लेकिन यहां जब लोग डेंसिटी लेते हैं ना, अर्थ की जो डेंसिटी लेंगे इसको रो बोलते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में, है ना, ये जो डेंसिटी लेते हैं वो क्या है, वो फिक्स मान लेते हैं, एवरेज डेंसिटी मान लेंगे। बट अचानक बताया कि रेडियस को ये कर दिया, डेंसिटी ट्वाइस कर दिया, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो उस कंडीशन में इस एम की जगह तब आप क्या पुट कर दीजिएगा, एम की जगह तब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब देखिए तो जी की वैल्यू क्या आ रही है, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, जी इज इक्वल टू था हमारा क्या, जी एम बाय
आर स्क्वायर ये था ना, तो मास की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, आर स्क्वायर आर कैंसिल हो गया तो जी इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 जी पाई आर इंटू रो। देखिए जब भी आपको डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा कि डेंसिटी ये हो गया, रेडियस ये कर दिया, समझ रहे हैं, जैसे डेंसिटी आएगा तब आप इस फॉर्मूला के थ्रू चले जाइएगा, और ये कंपटीशन के लिए थोड़ा सा या ऑब्जेक्टिव के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा 8-9 क्लास जिसमें पढ़ा होगा, है ना, लेकिन अब जो है ये फॉर्मूला हो गया है, इसको लेकर के आप जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, देखिए जब हम अर्थ किसके ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाइएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी बढ़ती जाएगी ना, और आर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो क्या होगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ये कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ती, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी होती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट या एल्टीट्यूड, और दूसरा होगा वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, जब नीचे जाएंगे तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू इट्स रोटेशन, है ना, ये सारे चीज आपको मिलेगा, फिलहाल आप इस चीज को नोट कर लीजिए।